तो और मेरे भाइयों, क्या हालचाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे लोकेशन जहाँ पे आप लिविक मैप में वेब शूटर को फाइंड आउट कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको सारे के सारे लोकेशन आपको बताऊंगा जहाँ पे आपको वेब शूटर मिलेगा। सो गाइस, फर्स्ट लोकेशन आपको यहाँ पे ईस्ट पोर्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, इसके नीचे जैसे ही उतरते हो, आप पीछे की तरफ घूमोगे तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस बॉक्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हो, यहाँ पे आपको वेब शूटर, स्पाइडर बॉल और बहुत सारे आइटम्स मिल जाते हैं। सो अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे लोकेशन की तरफ। सो दूसरा लोकेशन भी आप यहीं पे फाइंड आउट कर सकते हो जहाँ पे आपको वेब शूटर मिलेगा, ईस्ट पोर्ट में ही। लेकिन थोड़ा सा हटकर ये जो हाउस आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको चले जाना है। और जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कोने में वेब शूटर वाले बॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो इसको जैसे ही आप डिस्ट्रॉय करते हो, आपको इसके अंदर देख सकते हैं स्पाइडर मैन वाला आउटफिट भी आपको मिल जाएगा। अब थर्ड लोकेशन यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। सो इस लोकेशन पे आपको आ जाना है और इस हाउस के अंदर जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे झोपड़ी के अंदर ये इस प्रकार से लटका हुआ आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। और इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद आपको इजली वेब शूटर और उसके बाद स्पाइडरमैन बॉल सारे चीज़ मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट लोकेशन जो है वो रीड्स में है। सो रीड्स में आपको ये हाउस आपको मिल जाएगा और इसके ऊपर जैसे ही आप आओगे, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे आपका वेब शूटर वाला बॉक्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे से आप आराम से अपना आइटम ले सकते हो। अब नेक्स्ट जो लोकेशन है वो मिडस्टेन में है। सो मिडस्टेन में ये जो हाउस है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सो यहाँ पे आपको आ जाना है इसके अंदर, और इसके अंदर आने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा ये आपका बॉक्स लटका हुआ कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे आपको इसको डिस्ट्रॉय कर देना है और कुछ इस प्रकार से अपने आइटम्स को आप यहाँ से ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं आपको दूसरे लोकेशन की तरफ ले चलता हूँ जो कि मिडस्टेन का ही है। सो यहाँ पे आपको आ जाना है और इस हाउस के अंदर आपको चले जाना है। सो सेकेंड फ्लोर पे आपको चले जाना है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे नहीं मिलेगा, वो सेकेंड फ्लोर पे ही मिलता है। सो सेकेंड फ्लोर पे आप जैसे ही आओगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपका ये बॉक्स यहाँ पे लटका हुआ मिलेगा। सो इसको आप आराम से उतार कर आराम से यहाँ पे जो भी इसके अंदर आइटम्स है, मटेरियल्स है, वो आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट जो लोकेशन है वो एक्वीडेक्ट के अंदर है। सो एक्वीडेक्ट के अंदर जैसे ही आप आते हो, यहाँ पे आपको ये लोकेशन पे आपको ये वेब शूटर बॉक्स मिलता है और इसको डिस्ट्रॉय करके आप इजली इससे जो भी सामान है वो ले सकते हो। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे लोकेशन की तरफ। सो यहाँ पे पावर प्लांट में आपको आ जाना है, और जैसे ही आप यहाँ आ जाते हो, आपको यहाँ पे तीन तीन लोकेशन बताऊँगा। सो फर्स्ट लोकेशन कुछ इस प्रकार से, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, बॉक्स को गिराकर अपना सामान अपना ले सकते हो। सेकेंड जो लोकेशन है वो इसी हाउस के अंदर ही दूसरे कॉर्नर पर आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर पर आपको लटका हुआ मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको बॉक्स को उतार लेना है कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रॉय करके। उसके बाद थर्ड लोकेशन जो है वो दूसरे वाले हाउस में है, मीन्स ओपोजिट डायरेक्शन वाले में। सो यहाँ पे आपको आ जाना है ओपोजिट वाले हाउस में। सो उसके बाद इसको आप जैसे ही गिरा लेते हो इस बॉक्स को, उसके बाद आप अपना सामान यहाँ से ले सकते हो, वेब शूटर या फिर स्पाइडरमैन बॉल या फिर स्पाइडरमैन आउटफिट जो भी है। अब गाइस, नेक्स्ट लोकेशन जो है वो लंबर में कुछ इस प्रकार से कोने में जाके वेयर हाउस के अंदर आप ले सकते हो। अब उसके बाद आप ये लोकेशन अभी मैप में आपने देखा, उसी लोकेशन पे आपको आ जाना है। और इस प्रकार से आप स्क्वाड हाउस के अंदर जैसे ही आओगे, यहाँ पे आप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे अंदर में आपको ये वेब शूटर वाला बॉक्स आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट लोकेशन वाटरफॉल के ऊपर में, आप जैसे ही ये झोपड़ी के पास आते हो इस झरना के ऊपर, तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स आपको कॉर्नर में लटका हुआ दिखाई दे जाता है। तो यहाँ से आप अपना सामान वगैरह जो भी ये आइटम्स वो आप ले सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट लोकेशन जो है यहाँ पे आपको आ जाना है मैप में। मैप अभी मैं आपको खोल के दिखा दिया हूँ, सो आप अपना देख लेना। सो उसके बाद जैसे आप शिप के ऊपर आ जाते हो, तो यहाँ पे आपको शिप के ऊपर में यहाँ पे लटका हुआ आपको मिल जाएगा आइटम। और भाई साहब, यहाँ से आप अपना जो भी आइटम्स है उसको ले सकते हो। अब नेक्स्ट लोकेशन जो है वो कैप ग्रास के अंदर आ जाना है। और कैप ग्रास के अंदर जैसे ही आप इस हाउस के अंदर आओगे, और उसके बाद जैसे ही आप अंदर आ जाते हो, ऊपर में यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कॉर्नर पे ये बॉक्स लटका हुआ मिल जाएगा। तो एक और इसके बगल वाले हाउस में भी आप ट्राई करना, वहाँ पे भी बॉक्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन जो है वो ब्लॉम्स्टर के पास है। सो ब्लॉम्स्टर में आप जैसे ही आते हो, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला हाउस में आ जाना है। आप पीछे करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने टाइम बचाने के लिए आपका लाइक वीडियो को 2x स्पीड पर कर दिया था। तो आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो को भी देख सकते हैं, 2x स्पीड पे ही वीडियो है, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर में जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे आपको सामान आपका मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट लोकेशन अभी आप मैप में देख चुके होंगे, तो इसी लोकेशन पे आपको आ जाना है। और इस हाउस के अंदर आओगे, इस झोपड़ी के अंदर, तो यहाँ पे आपको वेब शूटर लटका हुआ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे शायद एनिमी ने लूट लिया है।
सो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में बॉक्स है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रात के 2 या 3 बजे के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी मैं 1-2 घंटे में इसको पब्लिक करने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की वीडियो और भी मैं चैनल पर लाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।